नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में सीबीआई ने एक बार फिर लालू के करीबियों के घर दबिश दी है। बता दें, पटना, भोजपुर, आरा, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम समेत 9 ठिकानों पर सुबह से ही सीबीआई की रेड चल रही है। आरोप है कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए लोगों को रेलवे में नौकरी दी और उसके एवज में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराई है। दरअसल यूपीए की सरकार में लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नियुक्ति घोटाला हुआ था। बता दें, लालू पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए गलत तरीके से लोगों को रेलवे में नौकरी दी और नौकरी देने के बदले उनसे जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराई थी। जो जमीन और फ्लैट नौकरी देने के बदले लिए गए वे लालू की पत्नी रावड़ी देवी और मीसा भारती समेत उनके परिवार के अन्य लोगों के नाम से रजिस्ट्री कराए गए। इस मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं। बता दें, इस मामले में सीबीआई और ईडी लालू प्रसाद, रावड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, चंदा यादव समेत इस घोटाले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ कर चुकी है। बता दें, मंगलवार की सुबह सीबीआई की टीमों ने लालू के करीबियों के घर दबिश दी। लालू के करीबी पूर्व विधायक अरुण यादव की विधायक पत्नी किरण देवी की पटना स्थित सरकारी आवास आरा और भोजपुर में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। बता दें, बालू कारोबारी अरुण यादव की पत्नी किरण देवी भोजपुर से विधायक है। जानकारी के मुताबिक किरण यादव के साथ साथ दिल्ली में पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के ठिकानों पर भी सीबीआई की छापेमारी चल रही है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सीबीआई और ईडी लगातार लालू प्रसाद और उनके करीबियों पर हमलावर नजर आ रही है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।